होता है तो वो भी हार्ट को एक्सपेंड करने से रोक देता है, रिकॉर्ड होते हैं। टेंशन न्यूरोथोरैक्स, उसमें क्या होता है कि क्योंकि न्यूरॉन के अंदर बस करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड को, राइट साइड में न्यूरोथोरैक्स को उसने उस लंग को दबाया। अब लंग तो ठीक हो रहा है लेकिन बाहर न्यूरल कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो जा रही है। पहले उसने उस लंग को दबाया, फिर दूसरी तरफ के लंग को भी दबाया और हार्ट को भी दबा दिया। तो हार्ट बाहर से दब रहा है फ्रॉम द न्यूमोथोरैक्स, इट हैज द सेम इफेक्ट है न्यूमोपेरिकार्डियल एक्सेप्ट के इसके अंदर लंग भी हो रहा है एंड इज फार मोर कॉमन देन पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी दफा वहाँ से डॉक्टर में काम कर रहा था, वहाँ पे जितने डॉक्टर था वहाँ में काफ़ी किया, उसके साथ मैंने पार्सिस पास किया। तो वीकेंड था उसमें एक पीपीए सब वाकयात बताने का मतलब ताजे सुनाने के पीपीए जिंदगी भर याद रखता है, वाकयात आसानी से याद रहे। आदुपा साहब के दर्ज का एक आया, उसमें पेशेंट जो था उसको उसने कहा कि वो पेशेंट आया हुआ है वहाँ पे फुटबॉल मैच के बाद झगड़ा हुआ और इसको मारा दो, ये लड़ते आके देखो। मतलब उस दिन पता नहीं क्या था कि उसका खाली पड़ा हुआ डॉक्टर को दे। मैं गया वहाँ पे देखा तो वहाँ पर और वो उसके ये उसकी गर्लफ्रेंड, तो उसने आता होता उसको खुशी का लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था, हर बार में नहीं गया था और बार ये तो हर बार सुनता है वो बहुत ज़्यादा। तो मैंने उससे कहा, देखा मैंने पेट को, मैंने कहा एक तो जीवन को रखा है इसको टेस्ट करनी होगी लाओ, उसको पता नहीं क्यों चली गई जिस तरह बर्फ पुराने जमाने में बर्फ का सुआ होता था, अरे आप देखा जैसे बर्फ उस टाइप की शक्ल होगी उसकी बड़ी कड़ी होगी, उसको अंदर डालते और डालने के बाद प्योर में जाके उसको निकाल लेते सुए को और ट्यूब जो है उससे हवा बाहर निकलने लगती है, उसको अंडर वाटर सीन से अटैच करते। मैंने वो उठाया और उसके बाद जाके नाइट से यहाँ पे इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद अब उसकी तो आँखें पकते हुए देखेंगे तो उसको पता नहीं आँखें पकाते नहीं करती नहीं करती नहीं करती। ये इतने बड़े सुबह को टेस्ट के अंदर डालते हैं कि मेरी मंत्रा को क्या पता ही था और वो उसको तो लग रहा था कि वो गर्व था बिल्कुल नहीं मैंने डाल उसके बारे में खींचा उसको। अब न्यूमोथोरैक्स में प्रेशर बहुत होता है तो प्रेशर से ब्लड निकल के उसके सारे उसके उसके चीज मारे और जो कुछ हार देते उसको फेंका और भागी मार। अब नतीजे क्या हुआ तो थोड़ा मैं अकेला रह गया हूँ, मैं ग्लव पहने हुए ये ट्यूब में बैठा हूँ, मुझे उसको स्विचर करना है, मुझे उसको ट्यूब को लगाना है, फेंक भी पा शुक्र है कि उसके जो ना मैं फूल कर शुक्र है कि वो जो व्हील वाले थे उसने क्या देखा उसमें व्हील लगे तो मैं स्वेटर को धकेलता वाले देखो और शेल तक गया वहाँ से मैंने स्विचर बनाया और उठा के उसको स्विचर किया उसमें गया वहाँ से मैंने सब उठा के उसको टैक्स किया और सब चीज़ कर ली उसके बाद में आपका पहले तक फिर मैं इलाके में पहुँच गया। मैंने कहा भाई साहब की फूट क्या मिल जाए फूट फूट को मिला मिल जाए वो है ना देखा उसी को बात की क्यों को भी मतलब कहते कि अच्छा उसके बाद जो है वो उसने नर्सिंग ही छोड़ दी। मेरा जो दोस्त था दूसरा रजिस्ट्रार वो मुझे हमेशा ब्लेम करता है कहते कि इस बार तो रीजन डिस्पॉइंट मारता है क्योंकि डर रन कितने का भाई तो खैर कहने का मतलब ये कि ये थोड़ा एक सीप आ गया था मगर इससे ज़्यादा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इतने दूर तरह के खुल गए तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट करेंगे ना कि प्रेशर जो पड़ रहा है उससे लंग पे या हार्ट पे उसके क्या फर्क पड़ता है हवा से या लिक्विड से जो भी हो अंदर ही बॉल इन द रिजल्ट ऑफ प्रोबल बॉलिंग एक्सीडेंट और वो रिपीट हो जाएगा तो वो इक्वलाइजेशन हो जाएगा तो भी वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम में आता प्रॉब्लम सिस्टम योर थिंग जो थिंग
आपने ये देखा कि या तो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है या फिर कोई आर्टरी लंग की ब्लॉक हो गई, ये दोनों जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रोक की कैटेगरी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कार्डियोजेनिक स्ट्रोक और ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रोक के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रोक की गोली करें तो कार्डियोजेनिक स्ट्रोक करें, वहां से करें ये कार्डियक एक्शन करें, लेकिन वो क्या है, हम तो शॉक का ट्रीटमेंट ये समझते हैं बिंदु लगाओ और फिर दो, सही, बल्कि दोनों हाथों में कैनुला लगा दो बड़े बड़े और जो कुछ है शुरू कर दो ब्लड ऑर्डर लो। जब कैनुला लगाएं तो ब्लड ड्रॉ करें, उसमें सी पी ई एस आर यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट एलएफटी शुगर ये सब भेजते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्लड क्रॉस मैचिंग के लिए क्रॉस मैच को यूज हो जाए, आपने भेज दिया। भेजने के बाद जो है
अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉप क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉप से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सेप्टिक शॉप। सेप्टिक शॉप जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सबसे बड़ी मुसीबत है जो अभी तक पूरी तरह समझ में भी नहीं आया। जितना समझ में आया उतनी बात करते हैं। आर्ट का जो है ये सक्सेस जो है क्या करता है, वैल्यू डायलेटेशन करता है। वैल्यू डायलेटेशन के लिए मैं क्लब इस्तेमाल करता हूँ, क्लब इस्तेमाल करता हूँ आपको देता हूँ। वैल्यू डायलेटेशन में भी है, वैल्यू वेगन में भी है। अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। इसमें तुम्हारी बॉडी में 5 लीटर फ्लूड है तो 5 लीटर ही है, ठीक है ना। 4.9 लीटर डी हुआ है तो हाइपरवॉल्यूम है तो डी हुआ, ठीक है। लेकिन मैं इसको हाइपरवॉल्यूम कहता हूँ एक और लफ्ज के इजाफे के साथ, वो लफ्ज कैसरों के इजाफे में ना हो। बेटा सोचो इसको मैं कहता हूं रिलेटिव हाइपोवॉल्यूम, यानी वॉल्यूम उतना ही है मगर चूंकि वेसल के चाहे वेसल का डायमीटर बढ़ गया है, ज्यादा वॉल पे प्रेशर डालने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए उतना नहीं है। 5 लीटर कम पड़ गया है, अब इसको चाहिए 7 लीटर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसको चाहिए अमाउंट तो बढ़ गया है, हाइपोवॉल्यूम पे तो हो गया, मतलब एब्सोल्यूट हाइपोवॉल्यूम है, रिलेटिव हाइपोवॉल्यूम। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इसका, रिलेटिव हाइपोवॉल्यूम या कॉन्सेप्ट समझो इसको। ये सेप्टिक में भी होता है, ये न्यूरोजेनिक या फिर इसको फेनोमेनल कहते हैं उसमें भी होता है। ये तो हो गया वेसल्स के साथ, अब और क्या होता है इसके साथ, दो चीजें और होती है। ब्लड प्रेशर का हार्ट से क्या ताल्लुक होता है, दो चीजें हार्ट की होती है, एक कैसे प्रोटेक्शन से आइनोट्रोपिक और रेट ऑफ द हार्ट अटैक इज प्रोनोट्रोपिक, ठीक है ना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट ज्यादा लोग से कॉन्टैक्ट करता है, चुनांचे वो दवाएं जो आइनोट्रोपिक एजेंट है जिसमें डिजॉक्सिन भी शामिल है, जिसमें डोपामिन भी है, जिसमें डोपामिन भी है, जिसमें एड्रेनालिन भी है, दे आर ऑल पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स बिकॉज दे मेक द हार्ट कॉन्टैक्ट फास्ट। उसी तरह जो है ये फार्मा की तरफ है बेसिकली, बढ़ाती है चीज वो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है, जो कम करती है वो निगेटिव क्रोनोट्रोपिक। तो इसका अपने सर्जिक शॉक का जो है हार्ट के ऊपर करो निगेटिव एनोट्रोपिक, जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हार्ट पेट लोग से कॉन्टेक्ट नहीं करता। एक तरफ तो डायरेक्टली हाइपोवॉल्यूम क्या हो गया, वो जो कॉन्टेक्शन भी कम हो रही, दोनों तरफ से मार खा रहा है। इसी तरह से गर्म हो रहा है, आपने सुबह आके आपने कहा भाई कुत्ते को रख गया देगा, नहीं नहीं ठीक है गर्म भाई, वो गर्म जो है वो ये ऑल साइन डॉक्टर यह भाई क्या हुआ 40
फर्ज करेंगे उसका जो है 150 रहता है, 110 से भी जो है वो कम हो गया। डिस्पाइट एडिक्वेट टू द सस्टेनर अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव दैट वी टू बट नॉट इंडिकेट नेक्स्ट के मुद्दे तो लिंगुरिया और टू प्रोटेक्शन मेटल स्टेटस। पेशेंट हु आर रिसीविंग आइनोट्रोपिक और वैसोप्रेसर एजेंट्स मे हैव ए नॉर्मलाइज्ड ब्लड प्रेशर एट द टाइम दैट पर्टिकुलर मुद्दे आर डिस्क्राइब। यानी ब्लड प्रेशर से भी कभी कभी दर्द हो सकता है। ये सर्च को समझना जरूरी है। व्हाट इज सर्च? मैं जो है वो एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल के बड़ा खिलाफ हूँ। बहुत मैं कहता हूँ यार इंक्लूज स्मार्ट सोसाइटी में हर चीज को रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है। एंटीबायोटिक देते के दे देते हर वक्त आप जो दवाएँ बोले कोई जी पी जो है जो आ रहा है उसको देर एंटीबायोटिक 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 दे रहा है। लेकिन सर से कहीं चीज है तो कहते हैं लोग दी जाए थोड़ा सर से अंदर चार चीजें टेम्परेचर हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट और वाइट ब्लड काउंट। टेम्परेचर कितना 38 से ऊपर चला जाए 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए या 36 से कम हो जाए दो चीज सुबह में उसको एक काउंट कर देते हैं। फिर उसके बाद से हार्ट रेट कितना मोर देन 90 पर मिनट लेकिन यहाँ पर हम मोर देन 90% देते हैं। इसी तरह वाइट रेस्पिरेटरी रेट जो है 20% से ज़्यादा या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो 30% से कम होती है। वाइट ब्लड सेल जो है वो 4,000 या 12,000 फोर से कम ये 12,000 शुरू होता है। आपको अगर याद हो तो मास सेल के ऊपर एंटीबॉडी नहीं छूटता। मास सेल फटता है फिर इसके भी निकलता है सारे से निकलता है और सारे वो निकलते हैं वो सब जाता है। ये जो है वो ड्रग हो और बॉडी हो तनाव हो सबकी वजह से रेडी फॉर दैट वी टू यूरोजेनिक शॉक जाओ आई फाइनल एंटरप्राइज ऑफ हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम और एंटीजन प्रॉब्लम इनमें जो है एंटोक्राइनल शॉक हो जाता है। बाकी चीजें जो है इसके बारे में बात करेंगे कि चार महीने तक स्टॉक प्रेशर लेने से क्या होता है वगैरह वगैरह बात याद रखना। नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे स्टॉक का जब टाइम रहेगा तो यहाँ से शुरू करेंगे कौन टाइम करेंगे 90% के लिए जो स्टॉक हो पड़ेंगे लाइफ नंबर 60 यहाँ पर समझ में आ गया तो सवाल है किस तरह से जब तक समझ नहीं आएगा बेटा जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा।
ट्रीटमेंट ब्लड के जो ट्रीटमेंट लोगे ना वो आलू के लिए फायदेमंद होगा, आलू के लिए नुकसान का होगा। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातों को समझ के करने की कोशिश करो, इसमें इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, मेक यू ए बेटर ह्यूमन बीइंग, मेक यू ए बेटर डॉक्टर, मेक यू ए बेटर स्टूडेंट, मेक यू ए बेटर ह्यूमन बीइंग। बोलते भी है तो थोड़ा अच्छा आदमी है, अपन की गलती है, अपन देखना बहुत अच्छा है, बहुत मजा पा मुझे भी समझ आता है कि अपन की कमी के साथ भी बहुत अच्छा कैसे हो गया। जब तक अपन का अपन जो है वो एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की उसमें उसको कोई चीज इतनी महबूब चीज नहीं अकल, अल्लाह तो मेरा महबूब करी चीज अकल है और आप कह रहे हैं कि अकल की कमी के बाद में उसको बहुत अच्छा इंसान ठीक है वो अल्लाह जाकर जरूरत देखिए उसको तो वो कहे, मगर मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई बेटा है बेटी है तो मैं उसको ऐसे इंसान के साथ नहीं रखूँ कि अकल की कमी है। आप अपनी भक्ति में कोशिश करें कि समझदार अकलमंद लोगों की नेक लोगों की कंपनी में अपना वो गुजारे और ये चीज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते थे तो जो शख्स आपको मिलेगा वो आपको अपनी जगह बना देगा, अच्छी कंपनी होगी अच्छा बना देगा, अकलमंद हो अकलमंद बना देगा, फिर हमको और बना देगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखो और नहीं समझा तो आप लोगों की जिंदगी में आप वीडियो पर करके रहते हो। ठीक है,